हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो चीज़ केक, जिसके लिए हमने लिया है ये साइज़ का ओरियो का पैकेट हमने लिया है, जिसे हमने निकाल के लिया है। ये 3 टेबलस्पून हमने मेल्टेड बटर लिया है, 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर लिया है। ये थोड़ा सा हमें मिल्क लगेगा, जिसमें हमने 1/4 टीस्पून जिलेटिन लिया है, उसको भिगा के रखेंगे। और 250 ग्राम हमने चीज़ लिया है, फिलाडेल्फिया चीज़, क्रीम चीज़ लिया है हमने। ये 250 ग्राम हमने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, और 150 ग्राम हमें व्हिप क्रीम लगेगा टॉपिंग के लिए। तो आइए ओरियो चीज़ केक बनाना शुरू करते हैं। ये ओरियो बिस्किट को हम क्रश करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ओरियो बिस्किट को क्रश करके लिया है। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ये 3 टेबलस्पून हमने बटर मेल्ट करके लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने केक बनाने के लिए टीन लिया है, इसमें हम इसे डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केक टीन में हमने मिक्सचर जो क्रश करके लिया था ओरियो बिस्किट को, वो डाला है। और इसको अच्छे से लेयर कर लेते हैं। मैं इसको अच्छे से कटोरी से इसे लेयर कर लेती हूँ। एकदम अच्छे से हमें इसको प्रेस करना है। हमने इसे अच्छे से प्रेस करके सेट करके लिया है। अभी आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रीज में रखेंगे। ये चीज़ हमने बाउल में निकाल लिया है। इसे हम बीट करेंगे। ये देखिए, हमने क्रीम को बीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं। ये 3 टेबलस्पून हमने शुगर लिया है, जो हम इसमें ऐड करेंगे। शुगर को हमने 2 मिनट के लिए बीट करके लिया है। अभी हम इसमें ये अमूल का फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये अमूल का फ्रेश क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने पूरा नहीं डाला है, 200 ml डाला है। और इसे हम अच्छे से बीट करके लेते हैं। चीज क्रीम और अमूल का फ्रेश क्रीम, इसमें शुगर डाल के बीट करके लिया है। ये हमने 1/4 टीस्पून जिलेटिन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करके जिलेटिन को पिघलने के लिए रखेंगे। ये 5-1 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। 5-1 मिनट के लिए हमने इसे रखा था। अभी हम ये मिक्सचर जो क्रीम का, चीज़ क्रीम का मिक्सचर है, उसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वापस से एक बार हम इसे मिक्स करके लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर अभी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे जो हमने बेस बना के लिया है, उसके ऊपर पोर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हम इसके ऊपर अच्छे से पोर करेंगे।
और इसे वापस से एक 10 मिनट के लिए हम फ्रीज में रखेंगे। ये हमने 150 ग्राम व्हीप क्रीम लिया है, इसे हम अभी अच्छे से व्हीप कर लेंगे। क्रीम को 10 मिनट व्हीप करने के बाद ये हमारे ऐसे पिक्स आने शुरू हो गए हैं। हमारा व्हीप क्रीम बनके तैयार हो चुका है। अभी हम इसे जो हमने क्रीम चीज़ का लेयर डाला है उसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो चीज़ क्रीम का मिक्सचर है इसके ऊपर हम ये जो हमने व्हीप क्रीम व्हीप करके लिया है उसे डालेंगे। ये हम इसे एक लेयर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने स्पैचुला से इसे प्लेन करके लिया है। अभी हम इसके ऊपर ये ओरियो बिस्किट रखेंगे। ये 4-5 ओरियो बिस्किट हम इसके ऊपर रखेंगे। और इसे थोड़ा व्हीप क्रीम से डिजाइन करेंगे। ये मैंने व्हीप क्रीम इसमें भर के लिया है, तो अभी हम इसे ऐसे छोटे छोटे डिजाइन इसके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ओरियो चीज केक बन के तैयार हो चुका है। इसे हम अभी ओवरनाइट फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चीज़ केक का स्लाइस कट करके लिया है। ये आप देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम स्मूथ और एकदम अच्छा बना है हमारा चीज़ केक। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना स्मूथ बना है, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के पीस। ये देखिए एकदम अच्छा बना है हमारा चीज़ केक, बहुत ही सॉफ्ट और चीज़ी बना है।